पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइफ और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार के राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसमें आरजेडी से जो नेता है तेजस्वी यादव और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हमेशा अपना सफाई देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जब भी अगर कोई भाजपा से आते हैं तो उनको सफाई देते हैं कि हम पलटने नहीं वाले हैं, वो गलती हो गई। अभी हमारे साथ बाबा फोनलाइन पे बने हुए हैं। बाबा, आजकल देखने को हमेशा मिलता है कि नीतीश कुमार जब भी भाषण देते हैं या जब भी भाजपा से कोई आते हैं तो उनको बताते हैं कि नहीं, मेरा पहले गलती हो गया, गलती से हम पलट गए थे, अब पलटेंगे नहीं। ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? देखिए, होता क्या है ना कि जब हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, अब इसको किसी चीज से जोड़ के नहीं देखा जाए, ये कहानी अचानक से मुझे याद आ गई। एक दो लाइन की बात हमारे यहाँ लोग कहा करते हैं कि चोर अंधेर नहीं सहता है। यानी जब भी आपको इस तरह की बातें नजर आई होगी तो अंधेरा में ही आपके यहाँ चोरी होती है। इसके पीछे का क्रोनोलॉजी ये है कि उसे पता होता है कि अगर किसी ने देख लिया तो काम गड़बड़ा जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप किसी भी तरह के सियासी घटनाक्रम की बात करते हैं या सियासत में किसी तरह की बात करते हैं, और खास करके जब नीतीश कुमार की बात होती है, तो नीतीश कुमार की बात होने के साथ साथ सबसे पहले याद आता है वो व्यक्ति जो लगातार बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए अलग अलग तरह का चाणक्य नीति कह लीजिए, स्वांग कह लीजिए या फिर रणनीति कह लीजिए, वो अपनाता रहता है और बिहार की राजनीति में वो शीर्ष कुर्सी पर विराजमान रहता है। नीतीश कुमार ऐसे ही एक नेता है जिन्होंने एक अलग तरह की राजनीतिक धारा को दिखाया है, उदाहरण के रूप में पेश किया है कि सत्ता में बने रहने के लिए आप किसी भी तरह का कोई समझौता या किसी भी तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। नीतीश कुमार लगातार 19 वर्षों से बिहार की सत्ता पर कायम है। इससे पहले भी आपको देखा होगा कि केंद्र की राजनीति में भी रहे हैं और इनके राजनीतिक जो तरीके हैं काम करने के, उसके माहिर और कहा जाता है कि मुरीद बहुत सारे लोग हैं। यहां तक कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके मुरीद हो गए हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के अटकलों का दौर तब से शुरू हुआ जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव गए। हालांकि इसको स्पष्ट कर दिया गया है दोनों ही तरफ से कि ये कोई बहुत बड़ी या कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये सरकारी कार्यों के को लेकर के मुलाकात थी और इस मुलाकात के मायने नहीं निकाले गए। लेकिन बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर एक बार फिर से जबरदस्त शुरू हो गया है और कुछ दिन पहले जिस तरह से दोनों की मुलाकात के बाद से ये बात शुरू हुई, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ इशारा किया। और इस ट्रैक रिकॉर्ड पर जब हमारे पत्रकारों ने पूछा शत्रुघ्न सिन्हा से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, ये बातें नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड से आप पता कर लीजिए, हमसे क्यों पूछते हैं। यानी कि उनके सीधे तौर पर कहने का मतलब था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर पलटना हो तो पलट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई भूल हिज्जत उनको नहीं होगी। इसी बात को आप अन्य लोगों से पूछिए तो वो भी इस तरह की बातों से इनकार नहीं करते हैं। भाई वीरेंद्र ने तो कल एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान ये बातें एक बार फिर से स्पष्ट कर दी कि नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे अपने हैं, हमेशा उनके लिए दरवाजा खुला है। समाजवादी विचारधारा क्या है, हमारी भी पार्टी समाजवादी है, तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी साथ आ सकते हैं, साथ रह सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये संभावनाएं अभी मरी नहीं है नीतीश कुमार, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं कि हम कहीं जान नहीं रहे हैं। और ये एक बार नहीं, इस बार तो उन्होंने दो दो बार ये बातें कह करके और ज्यादा भरोसा जगाने की कोशिश की। लेकिन जितनी बार नीतीश कुमार इस तरह की बातें करते हैं, उतनी बार संदेह और गहरा होता जाता है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। पलटी मारने की आशंका से किसी को इनकार नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते हैं। बिहार की राजनीति में जो भी जानते हैं या थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता बचाने के लिए और आने वाले समय के लिए राजनीति किस तरह किस धारा में मुड़ेगी उसको देखते हुए वो फैसला लेते हैं। हम आपको आज ही एक भीतर की बात में सर्वे लेकर के आएंगे जिस सर्वे ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हिला दिया है। एक सर्वे हम लेकर के आए थे जिसमें पहले से ये तय नजर आ रहा था कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति और बिहार के सर्वे में बहुत कुछ बदला है। जो चीजें कही जा रही थी 2024 के चुनाव के बाद से, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए
कंफर्टेबली 2025 में 140 से 160 सीटें जीत करके आएगी। आज उस सर्वे को पूरी तरह से चेंज होता हुआ हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार का साथ आने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। जैसा कि आपने तेजस्वी यादव के बयानों में सुना होगा, कल ही तेजस्वी यादव लौट करके आए, आज यात्रा पर निकले, और इससे पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब उनके आने का कोई चांस नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा के रखा था, लेकिन नीतीश कुमार के एक इशारे पर नो एंट्री का बोर्ड ही नहीं, पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछा करके खड़ा था। खेला होने की आशंका और खेला की प्रवृत्ति आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि खेल शब्द जो है वो नीतीश कुमार का ही याद किया हुआ है, और नीतीश कुमार खेल करने के माहिर माने जाते हैं। अब इस बात को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछले कई दशक से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के आवाजाही और खेला करने की प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे इसको लेकर के हमेशा संशय में सबको रखा है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वह कहीं नहीं जाएंगे, बीच में उनसे गलती हो गई थी, उसके बाद वे अब तक न सिर्फ नीतीश बल्कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान भी बिहार में एनडीए के घटक दल के रूप में सामने आए हैं और एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी के बीच में आपसी दरार हमेशा रहे हैं। आम बजट के बाद बिहार को जिस तरह से केंद्र की सरकार ने खुल करके पैसा भी दिया है, उसके बावजूद पाला बदलने की अटकलों पर खुद सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वह एनडीए में मजबूती के साथ है और अगला विधानसभा चुनाव भी एनडीए के सभी सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता जब भी सामने नजर आता है तब ये बात सामने आ जाती है कि नीतीश कुमार मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये पूरी कहानी अटकलों के बाजार से उठती हुई हकीकत की तरफ मूर्ति चली जा रही है, और इस पर एक बात तो ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी नीतीश की सफाई जिस तरह से दी जा रही है, अकारण दी जा रही है, उसके मायने और उसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को टास्क दिया है? तेजस्वी यादव को बिहार भ्रमण के लिए उन्होंने ही इशारा किया है, और इन सब के बाद आखिर होने वाला क्या है? तो कहीं ना कहीं हम जो बता रहे हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट हम आज आपको बताने वाले हैं, भारत लाइव के दर्शकों को बताने वाले हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में इन सारी चीजों का खुलासा है। दरअसल अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जा मिले हैं, और 2024 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, मिला जुला करके देखा जाए तो ठीक ठाक प्रदर्शन हो गया है। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की बात अगर की जाए तो नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार के सर्वे रिपोर्ट में क्या कहता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते हैं तो सर्वे रिपोर्ट उनको कितनी सीटें दिलाता है। जबकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद के साथ आने में 2015 की परिस्थितियां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति को समझने वाले हर किसी से मेरी बातचीत जो होती है वो बताते हैं कि आरजेडी को भी नीतीश के राजनीतिक कद का अंदाजा है, और प्रदेश की सत्ता में फिर से आने के लिए उन्हें जेडीयू के साथ ला करके लाने से कोई प्रवेश नहीं है। भले ही इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हो कि नीतीश कुमार के लिए अब वापस वापसी का कोई चांस नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी में लगातार इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समाजवादी हैं, कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर गंभीरता से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं तो इंडिया गठबंधन उनसे एहसान मानेगा, लेकिन हम एक बात जो बार बार कह रहे हैं वो ये है कि इस बार नीतीश कुमार अगर आते हैं तो नीतीश कुमार के आने में सिर्फ और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में भी अगर परिवर्तन होता है, अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का कोई चांस बनता है तभी नीतीश कुमार इस तरह का बड़ा फैसला ले सकते हैं, वरना नीतीश कुमार कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। हालांकि 2025 के चुनाव में अगर देखा जाए तो विधिवत रूप से तो अभी एक साल की देर है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव वक्त से पहले भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार इसके लिए दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात साफ नजर आती है कि बिहार में कभी भी कोई भी राजनीतिक परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कल ही संपादक नवन मिश्रा जी दिल्ली का तापमान नाप करके आए हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने पंचनामा में भी बहुत सारी बातों का खुलासा किया है कि दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है। दिल्ली में सब कोई मान रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक प्रकृति रही है जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला ले लें, कब किधर पलट जाए,
क्या उनके मन में आता है और किस तरह के उनके इनपुट होते हैं उसके आधार पर वो परिवर्तन करते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सभी अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में ही अपनी भलाई और पार्टी की भलाई देख रहे हैं। उन सारे लोगों का मानना यह है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और यही कारण है कि हो सकता है कि इन सारी बातों को लेकर के सफाई जो दी जा रही है उस सफाई के पीछे की कहानी कुछ और हो। वर्तमान में सामने सामने तो सफाई दी जा रही है, कहीं नहीं जाने की बात कही जा रही है, लेकिन भीतरखाने में इंडिया गठबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है और उस तैयारी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अचानक से कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात कही है कि नीतीश कुमार को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर एनडीए में है तो एनडीए में है, इस बात की सफाई देने की उनको जरूरत नहीं है। अब ये सफाई पॉलिटिक्स जो है जबरदस्त ढंग से बिहार में शुरू हो चुका है और इसके परिणाम क्या होंगे, हमें तो संदेह है कि नीतीश कुमार की सफाई के पीछे कुछ अलग कहानी है और इस कहानी में इंडिया गठबंधन जो तैयारियां कर रहा है हो सकता है कि उसका भी कुछ ना कुछ अंश जुड़ा हुआ हो। जी, तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया, भाई वीरेंद्र का कल मीडिया के सामने फिर एक बार बयान आया जिसमें उन्होंने कहा नीतीश कुमार हमारे अपने हैं, वो जब चाहे वो हमारे साथ आ सकते हैं। और आप सभी को भी पता है नीतीश कुमार को अपना कुर्सी बहुत प्यारा है और वो अपने कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश के लौटने का अब उनको कोई आस नहीं, वो आस छोड़ दिए हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।